बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अल्हम्रा के अंदर। यहाँ पर स्टेप इंस्टीट्यूट आर्ट एंड डिज़ाइनिंग इदारे ने एक सालाना थीसिस डिग्री शो का इनेकाद किया है। यहाँ पर चार जो शोबे हैं नमाइश के हवाले से, उन्होंने यहाँ पर तलबा व तलबात ने हिस्सा लिया। हमारे साथ एक साहिब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? ताबिश। आपका ये जो काम है, आपने किस किस्म की नुमाइश कर रखी है? मैंने बेसिकली ये पोर्टेबल स्कूल, क्योंकि मेरा इंटीरियर आर्किटेक्चर है, तो मैंने पोर्टेबल स्कूल में दिखाया इंटीरियर अपना। ये पोर्टेबल स्कूल मैंने कंटेनर फॉर्म लिया और उसके अंदर मैंने अपना इंटीरियर बताया कि कैसे उसके अंदर स्कूल की फॉर्म किस तरह निकलेगी। ओके जी। अच्छा, आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा इस सारे काम के दौरान? जी, एज अ स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस अ थिंग इन अ कंटेनर। तो ये बहुत चीज़ें थी जिसमें डिफिकल्टीज आई, एक्सपीरियंस भी था, क्योंकि एज मैं स्टूडेंट के हिसाब से अगर देखूं तो बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। क्योंकि कंटेनर में आप एक इंटीरियर दिखा रहे हो, इट्स नॉट अ बिग डील। क्योंकि बहुत सी बड़ी बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, तो हम क्यों ना स्कूल को भी इसी प्रोवाइड करें एजुकेशन में। तो ये जो काम आपने किया, इसको आप फ्यूचर में किस तरह आगे लेकर चलेंगे? फ्यूचर में इस तरह, क्योंकि एनजीओ काफ़ी इस चीज़ के लिए काम कर रही हैं, तो उनको डिज़ाइनर से इनको आइडियाज चाहिए। तो ऑब्वियसली एनजीओ जो जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, वो इस चीज़ पे काम करना चाह रही है, तो जो डिज़ाइनर है उसी का काम है कि वो उनको आइडियाज दे। तो हम इस चीज़ के लिए इसी पे काम करें कि हम जो न्यू यंग जनरेशन है जो आगे आने में मार्केट में काम करें, तो उनको आइडियाज दें ताकि वो इस पर इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अपना तारुफ करवा दीजिए। आई एम कायनात फातिमा एंड आई एम फ्रॉम स्टेप इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिजाइनिंग एंड मैनेजमेंट। अच्छा मैम, आपका ये जो काम है, आपने किस से इंस्पायर होकर किया? बेसिकली जो मेरी थीम है वो है मुगल आर्ट, और इसमें इंस्पिरेशन तो ऐसे कोई नहीं थी। इसमें ये मैंने किया कि डिफरेंस एक जो मैंने क्रिएट किया वो मैंने ऐसे किया कि मुगल आर्ट में हमेशा से काम होता है एथनिक पर। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने जो है वेस्टर्न कट लाइन, जो ऑफिस वेयर की कट लाइन है, उसके ऊपर मैं मुगल आर्ट को लेकर गई। ठीक है, आप फ्यूचर के अंदर इस काम को किस तरह लेकर आगे चलेंगे? फ्यूचर में मेरा प्लान है कि मैं इंशाल्लाह अपनी थीम को आगे ऐसे लेकर जाऊं कि मैं मजीद इसमें जो मुगल मोटिव्स हैं और मुगल क्रिएटिविटी को ऐड करूं। सिर्फ मुगल ही नहीं, मैं उसके अलावा भी डिफरेंट जो थीम्स हैं उनको ऐड करूं ऑफिस वेयर के अंदर, क्योंकि ऑफिस वेयर जो है एक कैजुअल थीम समझी जाती है, जो कि नॉर्मली किसी का माइंड नहीं जाता कि इस थीम के ऊपर भी कुछ इस तरह के एम्बेलिशमेंट या प्रिंट आउट हो सकते हैं। तो बिल्कुल हो सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं। ठीक है, आपका ये जो काम है, इसको आप जॉब के साथ लेकर चलते हैं या फिर अलग से आप अपना काम करते हैं अपनी नुमाइश को जाहिर करने के लिए? जी, अभी तो मैं अपना जितना मेरा फोकस था वो सारा मेरा 4 ईयर डिग्री पर था, और उसके अलावा जो है थीसिस पर था। तो अभी जॉब का तो नहीं है, इंशाल्लाह इसके बाद जॉब के साथ साथ इसको भी लेकर चलूंगी और जॉब को भी। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? माय नेम इज फायजा अशरफ। ओके मैम, आपने ये जो काम किया, ये जो आपकी नुमाइश जाहिर आप कर रहे हैं, आपने ये किससे इंस्पायर होकर किया? बेसिकली इंस्पिरेशन जो है मेरी लाइफ की है। मैंने अपनी लाइफ जर्नी को, डिप्रेशन से हीलिंग तक के जर्नी को 3 पैनल्स में एक्सप्लेन किया है। जो मेरी फर्स्ट जर्नी है, जो पहला पैनल है वो है डिप्रेशन, हमारा ट्रॉमा फेज को डिपिक्ट कर रहा है। जो सेकंड है वो एक्सेप्टेंस फेज को कर रहा है, और जो थर्ड वन है वो हीलिंग फेज को डिपिक्ट कर रहा है। हर इंसान जिंदगी में कहीं ना कहीं डिप्रेशन से गुजरता है। मेरे नाना बू की डेथ हुई तो मैं एक वो डिप्रेशन में चली गई जिसने अ लॉट ऑफ चेंजेस इन माई लाइफ। तो जो मेरी इंस्पिरेशन थी मेरा ये है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस करें और उस डिप्रेशन फेज से निकलें। हर इंसान के एक्सप्रेशन का अलग वे होता है, हमें अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए और उस ताकि हम अपने डिप्रेशन से ओवरकम कर सकें। तो मेरी जो मेन इंस्पिरेशन है वो फ्रूट्स हैं और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। अच्छा, आप इस नुमाइश को क्या नाम देते हैं? बेसिकली मैंने इसको होलिस्टिक एमेलियोरेट का नाम दिया, क्योंकि जो होलिस्टिक होता है वो आपकी होलसम में आ जाता है, जिसमें आपकी बॉडी माइंड और स्पिरिचुअलिटी आ जाती है। और एमेलियोरेट जो है वो हीलिंग का सिनोनिम है, मतलब जो हमारी आर्ट है वो इन सब चीज़ों को हील कर रही है, बॉडी को, माइंड को और स्पिरिचुअलिटी को, इन सब चीज़ों को हील कर रही है। तो मैंने जो सिट्रस फ्रूट्स लिए हैं वो जब इंसान क्या कहते हैं डिप्रेशन में होता है, तो हर इंसान की ईटिंग हैबिट्स अलग अलग होती हैं, कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है। तो जो मैंने इंटेक किया तो वो सिट्रस फ्रूट था, और बायोलॉजिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग में जो सिट्रस फ्रूट जब भी हम इंटेक करते हैं तो आपका स्ट्रेस कम होता है। और जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट आपका माइंड डाइवर्ट करती है। और जो बेसिकली मैंने जो इसकी फिगर्स ऐड की वो पैब्लो पिकासो से इंस्पायर होकर की हैं, क्योंकि जब उसके भी फ्रेंड की डेथ हुई थी तो उसने ये ग्लू फेज स्टार्ट किया था जिसमें उसने फिगर्स बनाए थे डिप्रेशन फेज। ओके, तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके मैंने एक न्यू चीज़ क्रिएट की है, मतलब वो
क्योंकि फ्रूट्स जो हैं वो रियलिस्टिक हैं और जो एब्स्ट्रैक्ट है वो अनरियलिस्टिक चीज़ है, तो मैंने रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक चीज़ को मिला के एक न्यू चीज़ क्रिएट की है। और क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर इतनी यूनिक पावर है कि मैं इसको रियलिस्टिक वे में इतना अच्छा एक्सप्रेस कर सकती हूँ। तो हर इंसान में अल्लाह ने कोई ना कोई खूबी रखी है कि हम उसको यूज़ करें और अपने आप को एक्सप्रेस करें, इसलिए मैंने बनाई है क्योंकि हर इंसान जो होता है अपने हर इंसान के एक्सप्रेस करने का वे अलग अलग होता है। तो मैं जो हूँ मैं लोगों के साथ अपनी फीलिंग्स या एक्सपीरियंसेस जो हैं वो एक्सप्रेस नहीं करती, मैं मिरर के आगे करती हूँ। और जब मैं टेक्सटाइल्स से हूँ तो मैंने मैनिपुलेशंस के सामने मिरर इंस्टॉलेशंस की बनाई हैं और वो मैसेज ये दे रही है कि वी शुड लिव अ लाइफ फुल ऑफ कलर्स इंस्टेड ऑफ ब्लैक एंड वाइट। जब अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरती कलर्स से भरी है तो हम क्यों वो डिप्रेशन वाली स्टेट से ज़िंदगी अपने उसमें गुजारें। और मैंने चेयर्स को रीन्यू किया, ये प्रिंटेड स्कार्व्स हैं, वो गारमेंट्स हैं मेरे, और इसमें भी मैंने हर चीज़ में शो किया हुआ है कलरफुल लाइफ को और डल लाइफ को। और ये यहाँ पे भी कलरफुल डल लाइफ है और यहाँ पे मैंने कलरफुल मोटिफ ऐड किया इसमें, और यहाँ पे कलरफुल पेंट किया है जो एब्स्ट्रैक्ट और फूड से, और नीचे जो है एम्ब्रॉयडरी से मैंने उसके स्ट्रेस को शो किया हुआ है। आपकी इंस्पायरेशन जो है वो बहुत बड़ी शख्सियत, लेकिन ये जो आपकी क्रिएटिविटी है अपनी है या असाध्या का इसमें किरदार है? मेरी अपनी क्रिएटिविटी है, लाइक एलिमेंट्स मैंने अपनी अपनी इंस्पिरेशन से लिए। और ऑब्वियसली टीचर्स का होता है कि वो हम लोगों को गाइड करते हैं कि आप ऐसे ऐसे करें, लेकिन बाकी जो कॉम्बिनेशन किया मैंने दो चीज़ों को मिला के वो सारा कुछ, क्योंकि स्टोरी मेरी है, मैंने ओवरकम करना था, मैंने हील करना था, तो वो मेरी चीज़ है। तो इस सारे काम के दौरान आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मैंने बहुत कुछ लर्न किया। मैं यही मैं मैसेज देना चाहूँगी कि हर इंसान कोई ना कोई फेज से गुजर है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ ढूंढे। मतलब हर इंसान का, जब मैं डिप्रेशन में थी तो मैं ढूंढती थी मैं किस किस चीज़ों के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती हूँ, ओवरकम कर सकती हूँ स्ट्रेस से। तो मैंने पेंटिंग से स्टार्ट किया, फिर मैंने देखा कि मैं अपने आप को मिरर में करती हूँ, तो मैंने प्रोडक्ट में ये चीज़ें लेके आई जो ओवरऑल मेरी फैशन में भी आ रही हैं और हर चीज़ को कवर कर रही हैं। अभी मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हर चीज़ में फैशन में भी चले जाते हैं, इंटीरियर में भी जा रही हैं मेरी चेयर्स एक्सेट्रा और पेंटिंग्स, तो ओवरऑल ये चीज़ कवर कर रहा है। आपने मिरर के सहारे खुद को तैयार कर लिया, अब इसके बाद इस काम को फ्यूचर में किस तरह आगे लेकर चलना है? इंशाल्लाह मैंने आगे मास्टर्स का सोचा हुआ है फाइन आर्ट्स के साथ और टेक्सटाइल्स मिक्स, टेक्सटाइल्स और फाइन आर्ट्स के साथ मैं इसको मिक्स करके तो आगे बिजनेस का भी मैंने सोचा हुआ है। तो इंशाल्लाह अपना भी काम करूंगी और साथ साथ जॉब करके एक्सपीरियंस भी लूंगी और आगे स्टडीज का भी मैंने सोचा हुआ है, कंटिन्यू करूंगी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। किस किस्म की नुमाइश कर रखी है आपने? ये मैंने जो लाइक थीसिस डिस्प्ले है, ये फैशन डिजाइनिंग का थीसिस डिस्प्ले है। हमने डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट कार्ड्स, डिफरेंट कलर स्टोरीज को मर्ज करके एक कलेक्शन तैयार की है। और लाइक जो मेरा थीम है वो है रूज दाल नॉर, इट्स मीन रेड इन द डार्क। और इसमें मैंने जो एसेंस डाला है वो मैंने मुगल आर्ट का भी इसमें थोड़ा सा टच डाला है कि लाइक जो एक हमारी रूट्स हैं, वैसे तो जो मुगल आर्ट है वो इंडिया से चलता हुआ आ रहा है, बड़े सगीर से चलता हुआ आ रहा है, बट हमारी भी रूट्स कहीं ना कहीं उसको टच करती हैं, तो जो हमारे एक एसेंस है वो भी फील ख़त्म ना हो। इसलिए जो मेरे कट लाइंस हैं वो वेस्टर्न से इंस्पायर्ड हो, इंस्पिरेशन है, और जो मेरी कलर स्टोरी है वो भी रेड एंड ब्लैक है, और जो मेरी मोटिफिकेशन है वो मुगल से इंस्पायर होकर मैंने की है। और जो मेरे बैग्स हैं ये मैंने पहले हैंड रेंडरिंग की है कलर्स के साथ और उसको डिजिटल पे लेके गया और फिर डिजिटल से मैंने अपने बैग्स बनाए। ये जितना भी काम हुआ है क्या आपने सारा काम खुद किया है ये नुमाइश के लिए, जितना भी सामान तैयार किया गया? जी ये ए टू जी हमने ही काम किया, ये आप देख सकते हैं कि पहले हमने ये बनाई हैं, स्केचेस बनाए हैं, फिर उस पर डिज़ाइन इम्प्लीमेंट किया, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए हैं जैसे कि फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, उस पर सेटिंग करके हर एक चीज़, इवन स्टिचिंग भी हम खुद कॉलेज में करते हैं। इसमें आपका कितना एक्सपीरियंस है, तजुर्बा कितना है आपका इसमें? तजुर्बा देखें, ये एक तो एक होता है फैशन डिज़ाइनिंग की ये फील्ड है कि हर दिन आपने कुछ न्यू करना है तो आपने आगे जाना है। ये एक बचपन से ही चीज़ आपके अंदर होती है कि आपने एक डिज़ाइनर बनना है, ये तजुर्बे की बात नहीं होती, आपकी क्रिएटिविटी की बात होती है। क्रिएटिविटी जो होती है वो आपको बचपन से ही कुछ ना कुछ करते करते हम इस मुकाम पर आए हैं कि एक कोई चीज़ कर सकें, कुछ बना सकें, कुछ दुनिया को दिखा सकें कि हमारा माइंड क्या है, ये सारी चीज़ें। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उनसा शहजाद। मैडम आपने किस किस्म के काम की नुमाइश कर रखी है? बेसिक मेरा ए लेवल्स था, उसमें ऑल ओवर फाइन आर्ट्स, टेक्सटाइल, इंटीरियर और ग्राफिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है। उसको बाद मैंने इसको जो मोस्टली मैंने ज्यादा फैशन को फॉलो किया है, जिसमें मैंने एक ड्रेस डिजाइन किया और मेरा थीम था ग्रीक।
ब्लू एंड वाइट कलर स्कीम को मैंने यूज़ करते हुए लाइट टोन और डार्क टोन में काम किया, जिसमें मैंने इंटीरियर के प्रोडक्ट्स कुछ बनाए हैं, जिसमें वॉल क्लॉक है, वॉल डिज़ाइंस है और पेंटिंग्स हैं। उसके अलावा मैंने ये स्टूल्स और टेबल डिज़ाइन किया, और ये जो इसके ऊपर आर्ट हुआ हुआ है, जो बहुत फेमस रेजिन आर्ट आजकल बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट को फॉलो कर रहे हैं और ये इसका बहुत ज़्यादा बिजनेस चल रहा है, ये मैंने रेजिन आर्ट किया। उसके अलावा मैंने ये टेक्सटाइल में थोड़ा सा यूज़ किया, इसको यूटिलाइज इस तरह किया, मैंने टेक्सटाइल से पूरी पेंटिंग बनाई है, थ्रेड में इसको बहुत ज़्यादा वर्किंग है, और इसमें शूज़ डिज़ाइन किया, ये मेरा अपना डिज़ाइन था, उसके बाद उसको मैंने क्रिएशन दी है। और उसके अलावा ये मेरा एक स्केच था, उसके बाद उसको रिपीटेशन चला के डिजिटल फॉर्म में हमने कपड़ा प्रिंट करवा के उसको स्टिच करवा के ये लगवाया। और ऑल ओवर काम बेसिक जो है वो मैंने हैंडमेड की है, मेरी सारा काम हैंडमेड है। अच्छा, आपने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत के बाद इस काम को आप बिजनेस की तरफ लेकर जाएंगे या यहाँ पर आप अपने शौक को खत्म कर देंगे? बिल्कुल नहीं, मेरा ये जो शौक है ऑलरेडी इस वक्त मुझे 3 से 4 लोग हैं जो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर लेके गए, बिकॉज मैंने कार्ड वगैरह नहीं करवाए थे, तो ये रेजिन आर्ट का मुझे ऑर्डर आया और वो मैंने इसको बिजनेस की तरफ ही लेके जाना है, और मैं बेसिक फैशन डिजाइनिंग की फील्ड में जाना चाह रही हूँ और आगे फैशन डिजाइनर बनना चाह रही हूँ। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अजवा तस्लीम। ओके, ये आपने किस किस्म की नुमाइश कर रखी है? ये मैंने इजिप्शियन की नुमाइश की है, मिस्र का दौर जो होता था उसका, क्योंकि आपको पता है मिस्र का दौर बहुत ही उस टाइम पे इतना डेवलप नहीं थी, चीज़ें नहीं थी इतनी, बट फिर भी वो उन्होंने अपना सर्वाइवल बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ था, और उनका बहुत क्रिएटिव सर्वाइवल था, क्योंकि उन्होंने अपने टेंपल्स पे हर जगह पे कार्विंग की हुई थी वुड की, और उन्होंने पेंटिंग की हुई थी हर जगह पे, जिसकी वजह से उनका सबसे मुख्तलिफ दौर था और सबसे ज़्यादा इस्टेब्लिश था। आपकी एज कितनी है? मेरी एज 18। और ये जो आपने काम किया है, इसमें आपकी मेहनत का कितना करदार है, कितने साल लगे यहाँ तक तैयारी करने में? ये मेरी 2 साल की ये 2 साल की मेहनत है, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया आपने। और ये जो काम किया है, इसमें आप इस काम को आप आगे किस तरह लेकर चलेंगे फ्यूचर में? इंशाल्लाह मैं इसको बिजनेस के फील्ड में लेके जाऊंगी, उससे पहले मैं टेक्सटाइल में अपना BA कम्प्लीट करूंगी। ओके जी, आपके इदारे का नाम? स्टेप इंस्टीट्यूट। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।